हेलो किसान चैनल में किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं पावर वीडर अथवा नराई करने वाली मशीन की समीक्षा। इसमें हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि यह मशीन उनके लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरा, हम इसके बारे में फैले भ्रमों को दूर करेंगे। तीसरा, किसान भाइयों को यह मशीन इस्तेमाल करते हुए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो हम बताएंगे। चौथा, इसकी संरचना की हम समीक्षा करेंगे और आखिर में यह मशीन अपने मूल्य के अनुसार किसान भाइयों के लिए उपयोगी हो भी सकती है या नहीं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यह सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। तो आप ये देख पा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से ये नराई कर रहा है आपके। ये देखिए, इसे आप एक तरह से छोटा रोटर वेटर भी आप बोल सकते हैं। ये बड़ा आसानी से आपकी नराई करता है। देखिए, इसका सबसे पहला फायदा ये कि आपको लेबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी बार आपको लेबर मिल नहीं पाता है। इसलिए आप अकेला इंसान, अकेला किसान भाई इससे अपने फसल में नराई कर सकता है। दूसरा, किसान भाई जो लेबर का आपका खर्च आना था वो लेबर का खर्च कम हो जाएगा। लेबर का खर्च किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा आता है। देखिए, बहुत ही कम खर्च में, सिर्फ पेट्रोल के खर्च में किसान भाई अपने खेत की या फसल की नराई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से किसान भाई नराई कर रहा है। देखिए, आप ये देख पा रहे हैं इसका इंजन जो है आप कमर पे टांगना पड़ेगा आपको, और वो कपलिंग के साथ आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग होगी, उससे आपकी पावर आउटपुट वो वहां से आपके देगा। तो इंजन से पावर आपके पावर वीडर के ब्लेड में चले जाएगी, और इंजन 52 cc का होने की वजह से आपको इसकी ताकत में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। बड़ी आसानी से ही आपकी नराई करता रहेगा। देखिए कितनी आसानी से ये नराई कर रहा है। इसमें लोड आपको नहीं दिखेगा कि आपकी मशीन पर लोड पड़ रहा है। ये तो हो गए इस मशीन के फायदे। अब किसान भाइयों को इस मशीन के बारे में पहले भ्रम के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला भ्रम किसान भाइयों को यह है कि यह मशीन भारत में निर्मित है। नहीं, यह मशीन चाइना में निर्मित है। और जिन किसान भाइयों को यह पता है कि यह चाइना में निर्मित है, उन्हें यह भ्रम है कि यह मशीन जल्दी से खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह मशीन आपकी जल्दी से खराब नहीं होगी। अब आपके भ्रम हमने दूर कर दिए हैं, इसकी उपयोगिताएं हमने आपको बता दी है। अब हम इस मशीन की क्या क्या खामियां हैं वो हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करते हैं। सबसे पहले परेशानी जिसका किसान भाइयों को सामना करना पड़ सकता है कि यह मशीन सख्त मिट्टी में नराई नहीं कर पाएगी। नर्म मिट्टी में यह मशीन बड़ी आसानी से चलती है। देखिए, यहाँ पर नर्म मिट्टी है और ये कितनी आसानी से यहाँ की नराई कर रहा है। दूसरी परेशानी किसान भाइयों को जो महसूस होगी कि यह लंबी घास जहां पर होगी और वहां पर आपको नराई करनी पड़ेगी तो यह नहीं कर पाएगा। देखिए, यहाँ पर यह घास जो है, हमने लंबी घास में नराई की थी और ये घास इसके अंदर फंस गई है। ये देखिए, ये घास फंसी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे लंबी घास में आप नराई नहीं कर सकते। इसमें छोटी घास में आप अच्छे से नराई करिए।
यह तो हो गई इस मशीन की परेशानियां। अब हम इस मशीन की संरचना की समीक्षा करेंगे। आप यह देख पा रहे हैं, यह पावर वीडर का इंजन है। यह इंजन 52 cc टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 52 cc टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यह इसका एग्जॉस्ट है और यहां से यह देखिए, यहां से यह इंजन स्टार्ट होगा ऐसे खींचने से। ऐसे आप खींचिए तो यह इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा यहां से। अब हम आपको यह पूरी मशीन दिखा देते हैं। यह आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग है जो आपकी इंजन से पावर यहां से आपकी आउटपुट देगा। फ्लेक्सिबल है ये, और ये आपके बटन देख रहे हैं इसके। आप यहां से बटन से स्टार्ट कर और ऐसे पावर आपकी होते हुए यहां पे पावर वीडर के आपके ब्लेड्स के अंदर चली जाती है। ये देखिए, ये पावर वीडर जो है आपका, इसके ब्लेड्स के अंदर आपकी पावर आ जाएगी। ये आपका ब्लेड, इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 14 इंची है। देखिए ऐसे चौड़ाई इसकी आपकी 14 इंची के आसपास है इसकी ये चौड़ाई। इसके साथ आपको यह गेहूं काटने वाला, या आप इससे और दूसरी फसलों की भी कटाई कर सकते हैं, इसके साथ आपको यह भी मिलेगा। ये यहां से आप इसमें से पावर वीडर में से ब्लेड हटाकर यहां से अटैच कर दीजिए, आपका ये भी चालू इसमें हो जाएगा। एक चीज आपको यह और मिलेगी, यह है घास काटने की। अगर बड़ी घास है आपकी खेतों में, या कहीं पे आपको बड़ी घास की कटाई करनी है, तो उसके लिए यह था आपका। तो ये देखिए, ये आपका संपूर्ण पावर वीडर है। हैंडल से लेकर आपके ब्लेड तक, ब्लेड से और जहां से आप पकड़ते हैं वहां से इसकी 3 फीट की दूरी है। धन्यवाद। अगर आप किसान भाइयों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप यह वीडियो शेयर करिए, दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप मत जाइए। धन्यवाद।